हेलो दोस्तों, आज की यह वीडियो सिविल इंजीनियर्स के लिए है। वो चाहे अभी पढ़ाई कर रहे हों या फील्ड में जॉब कर रहे फ्रेशर हों। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट इमेज एस्टीमेट बनाते हैं तो उसमें एस्टीमेट ऑफ स्टील को एक सेपरेट आइटम की तरह इंक्लूड करते हैं। बेंडिंग ऑफ बार्स सही साइज़ और शेप में हो, उसके लिए BBS बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे कि एस्टीमेट ऑफ स्टील के कितने तरीके होते हैं और जब हम लोग एस्टीमेट निकालते हैं स्टील का तो उसमें क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कितने तरह के बार्स इस्तेमाल किए जाते हैं और नॉमिनल कवर हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं, लेंथ ऑफ बार कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वीडियो को क्विकली देख सकें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेथड ऑफ एस्टीमेशन ऑफ स्टील, मेथड ऑफ एस्टीमेशन ऑफ स्टील, इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है फ्रॉम दी स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो हम लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग हम लोग को मिलती है वहाँ से हम लोग बनाते हैं। दूसरा है इसका ऑन द परसेंटेज बेसिस। मतलब ये हुआ कि जितना हम लोग को कंक्रीट की क्वांटिटी पता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग परसेंटेज बेसिस पर हम लोग निकालते हैं। परसेंटेज बेसिस ऑफ कंक्रीट, जो हम लोग को कंक्रीट की क्वांटिटी पता होती है तो उसके परसेंटेज बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। तो जो हम लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग में के मेथड से निकालते हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए उसमें हम लोग को लेंथ ऑफ बार कैलकुलेट करना पड़ता है, उसमें कितने स्ट्रिप्स पड़ते हैं वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या ज़रूरी होता है। देखिए, लेंथ ऑफ बार्स, उसमें सबसे पहले क्या होता है, लेंथ ऑफ बार फाइंड आउट करना होता है। लेंथ ऑफ बार्स, अभी लेंथ ऑफ बार्स जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। इसके अंदर शामिल होता है क्रैंक शामिल होता है, और कौन शामिल होता है इसमें, बेंड्स, जो भी हम लोग बेंड जहाँ भी करते हैं वो शामिल होता है, और फिर जो हुक होते हैं वो इसमें होते हैं। ये तीनों लेंथ उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं तब हम लोग को लेंथ ऑफ द बार निकलता है। ठीक है, उसके बाद है जो वेट होता है बार का पर मीटर लेंथ, उसको हम लोग लेंथ ऑफ द बार जो हमने दिया गया है उससे गुना कर देते हैं तब हमें वेट निकलता है। मतलब जब हम लोग को वेट निकालना होगा, जब हम लोग को वेट निकालना होगा तो वेट कैसे निकालेंगे, वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो लेंथ ऑफ बार है, लेंथ ऑफ बार जितना भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा वेट दिया हुआ है बार का पर मीटर लेंथ। वेट ऑफ बार पर मीटर लेंथ। ठीक है, इसे हम लोग गुना करके हम लोग वेट निकालते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ इसमें क्या होती है, जो हम लोग को डेंसिटी याद रखनी है। डेंसिटी इसकी होती है डेंसिटी ऑफ स्टील जो हम लोग की होती है वो कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ स्टील बराबर होती है 7850, ये याद रखना है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ स्टील कितना है याद रखना, 7850 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी शेप होता है इसमें क्या क्या दिखाते हैं हम लोग, शेप हम लोग दिखाते हैं और लेंथ दिखाते हैं। शेप एंड लेंथ बताते हैं कि शेप कैसा है और लेंथ कैसा है किसका, जो भी बार है। ठीक है, और बार्स, ये चार पॉइंट हमें याद रखना है। देखेंगे कि जो कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टील बार उसका यूनिट वेट क्या होता है। ठीक है, देखिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं 6 mm डाया का जो बार इस्तेमाल करते हैं उसकी जो यूनिट वेट होती है वो होती है 0.22 kg
पर मीटर। 8 mm डाया जो बार इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसका 0.39 केजी पर मीटर होता है यूनिट वेट। 10 mm डाया बार जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका यूनिट वेट 0.62 केजी पर मीटर होता है, ये याद रखने की चीज़ है। उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं 12 mm डाया, तो 12 mm डाया की जो बाड़ होती है उसका यूनिट वेट होता है 0.89 केजी पर मीटर, ठीक है। और जो 16 mm डाया है उसका बार जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका यूनिट वेट कितना लेते हैं, 1.58 केजी पर मीटर, ठीक है। उसके बाद 16 के बाद 20 mm डाया जो लेते हैं हम लोग, 20 mm डाया बार लेते हैं, उसका होता है 2.49 केजी पर मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट है एक 25 mm डाया जो लेते हैं उसका है 3.85 केजी पर मीटर। तो इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है, ताकि जो भी हम लोग कैलकुलेशन करें तो उसमें हम लोग को आसानी से निकाल सकें। अब एक चीज़ होती है कवर फॉर आरसीसी आइटम्स जो हम लोग को निकाल लेना पड़ता है एज़ पर आईएस 456/2000, वो हम बता देते हैं कि कितना कितना हम लोग कब लेंगे। देखिए, डाया ऑफ द बार से कभी भी जो नॉमिनल कवर है वो कम नहीं होना चाहिए। डाया ऑफ द बार जितना भी है उससे हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, वो कभी उससे कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन। अब इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास टाइप ऑफ एक्सपोजर जो दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ एक्सपोजर, जिस तरह का एक्सपोजर हो और किस तरह का उसमें नॉमिनल कवर हम लोग देते हैं, नॉमिनल कवर कितना देते हैं वो देखिए। अगर मान लीजिए कि हमारे पास माइल्ड टाइप एक्सपोजर है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 20 mm का नॉमिनल कवर देते हैं, नॉमिनल कवर हम लोग 20 mm का देते हैं, ठीक है। ये mm में है, ये जो है आपको ये 20 mm यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 20 mm का देते हैं, ठीक है। और जो मॉडरेट टाइप का ये होता है मॉडरेट, उसमें हम लोग जो कवर देते हैं वो हम लोग देते हैं 30 mm का। जो सेवियर होता है, सेवियर कंडीशन जो होती है एक्सपोजर की, उसमें हम लोग 45 mm देते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। जो वेरी सेवियर होगा, वेरी सेवियर, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो कवर है वो 50 mm देते हैं। और जो एक्सट्रीम होता है, जब एक्सट्रीम में हम लोग कंडीशन होगी एक्सपोजर की, तो उसमें हम लोग जो है 75 mm के का कवर देते हैं, नॉमिनल कवर। ये इन दोनों कंडीशन में 5-5 mm हम लोग कम कर सकते हैं, अगर जहाँ पे M35 या उससे ज़्यादा ग्रेड का हम लोग स्टील यूज़ करते हैं, तो इस दोनों में हम लोग 50 mm जो दिया गया उसमें 5 mm का हम लोग कम बेस कर सकते हैं। कॉमन टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। देखिए, एक होता है प्लेन बार, जो हम लोग प्लेन बार इस्तेमाल करते हैं वो उसका आप लोग देखे होंगे नाम उस पर होता है FE250, ठीक है, ये प्लेन बार है, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है जो HYSD बार होती है, HYSD बार मतलब हाई एल्ड स्ट्रेंथ डेवलप्ड डिफॉर्म्ड बार, सॉरी हाई एल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, इनको ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें 3 तरह के बार हो जाते हैं। एक होता है FE1415 और FE500 और FE550, ये 3 बार हम लोग HYSD बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और प्लेन बार में हम लोग FE250 बार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगली जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ बार कितने तरह के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टाइप्स ऑफ बार का मतलब कि कितने तरह के हम लोग जो बार होते हैं उसमें हम लोग कौन कौन से बार देते हैं, शेप ऑफ स्टील बार क्या क्या रखते हैं हम लोग, वो हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग उसमें हम लोग देखेंगे कैसे उसकी लंबाई मेज़र करते हैं, कैसे उसकी लंबाई कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे उसमें, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड हो वो आपको तुरंत क्विकली मिल सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगेन, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।